तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JD कंप्यूटर में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हम जब भी आते हैं न्यू जानकारी के साथ आते हैं, तो आज हम फिर हाजिर हुए एक और न्यू जानकारी के साथ, एक और न्यू लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए और कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस, ताकि हम इसी तरीके से जो भी नया वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, तो है जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए जो कि यहाँ पर करना चाहते हैं टीचिंग नॉन टीचिंग के अंतर्गत। दोस्तों यहाँ पर प्यून, साथ ही चपरासी, बाकी टीचर सभी की पोस्टें यहाँ पर निकली हुई हैं। कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट भर्ती के अंतर्गत दोस्तों आपको जिला कांकेर, जसपुर और जांजगीर में दोस्तों यहाँ पर भर्ती मिलती है। 5वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, डिप्लोमा डिग्री कैंडिडेट कर सकते हैं अप्लाई। ऑफलाइन में दोस्तों ये फॉर्म है आवेदन, महिला पुरुष कर सकती है यहाँ पर अप्लाई। एज लिमिट, आयु, वेतनमान, लास्ट डेट सभी चीज़ें हम बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, हम आपको संपूर्ण जानकारी बताएंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों तो यहाँ पर आपको ये जो भर्ती निकली है वो निकली है आपको छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 3 जिलों में अलग अलग भर्ती निकली है। तो दोस्तों हम आपको तीनों जिले की अलग अलग भर्ती बताएंगे, सारी जानकारी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जांजगीर की। तो जांजगीर जिले में दोस्तों यहां पर भर्ती निकली है कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष शासकीय उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय नंबर 1। जी हां दोस्तों, यहां पर जो भर्ती निकली है 8 जुलाई का ही नोटिफिकेशन है, जिसमें आप देख सकते हैं 8 जुलाई का ही नोटिफिकेशन है। 8 जुलाई की इसमें दोस्तों आपको जो व्याख्याता की पोस्ट मिलती है उसमें आप देख सकते हैं आपके लिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर फॉर्म और बाकी जानकारी देख लीजिए। तो विज्ञापन जारी होने की तिथि से आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 17 जुलाई 2020 है। इसकी लास्ट डेट दोपहर शाम 5 बजे तक आप कर सकते हैं। आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर, जिला जांजगीर चांपा के नाम स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री डाक के माध्यम से जमा किया जाना है। इसके बाद आपका इस पर मान्य नहीं होगा। तो इसकी जो लास्ट डेट है जांजगीर की चांपा की, तो यहाँ पर 17 जुलाई 2020 है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप बात की जाए दोस्तों यहाँ पर तो व्याख्याता की पोस्ट मिलती है, जिसमें आपके लिए कुछ हिंदी मीडियम से कुछ इंग्लिश मीडियम से है। तो व्याख्याता में सबसे पहले है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक, रसायन, गणित, जीव विज्ञान, सामान्य अध्ययन और वाणिज्य की। तो जिसमें से आप देख सकते हैं गणित की, जीव विज्ञान की और सामान्य अध्ययन की यहाँ पर जो पोस्टें आपको हिंदी माध्यम से हैं, बाकी दो दो पोस्टें अंग्रेजी और संस्कृत, ये इंग्लिश मीडियम में आपको पोस्टें दी गई हैं। 38,100 वेतनमान मिलेगा। मान्यता प्राप्त विद्यालय विश्वविद्यालय से आपके पास न्यूनतम 50 अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट के साथ, साथ ही बीएड होना अनिवार्य रहेगी। प्रधान पाठक की बात की जाए तो पूर्व माध्यमिक में एक पोस्ट मिलती है इंग्लिश मीडियम के लिए, 38,100 वेतनमान मिलेगा। आपकी योग्यता स्नातक होना चाहिए प्लस डीएड बीएड होना चाहिए 50% के साथ, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। प्रधान पाठक में प्राथमिक की बात की जाए तो एक पोस्ट मिलती है इंग्लिश मीडियम को, 35,400 रहेगा। यहां पर 12वीं क्लास पास आउट होना चाहिए 50% के साथ और डीएड होना यहां पर रहेगा अनिवार्य। साथ ही शिक्षक की बात की जाए तो अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान, विज्ञान और गणित में इंग्लिश मीडियम में रहेगी। दोस्तों यहाँ पर भर्ती 35,400 रहेगा। यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और डीएड या बीएड होना चाहिए। साथ ही सहायक शिक्षक की बात की जाए तो यहाँ पर कला विज्ञान भाषा समूह में दो दो पोस्ट और एक पोस्ट है भाषा समूह में, 25,300 रहेगा यहाँ पर वेतनमान। 12वीं क्लास पास आउट होना चाहिए 50% के साथ प्लस डीएड होना रहेगा अनिवार्य। व्यायाम शिक्षक की बात की जाए तो एक पोस्ट रहेगी दोनों के लिए, चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, 35,400 वेतनमान। मान्यता प्राप्त विद्यालय विश्वविद्यालय से आपके पास होना चाहिए बीपीएड की डिग्री 50% के साथ। लेखा यहाँ पर ग्रंथपाल की बात की जाए लाइब्रेरियन की तो एक पोस्ट मिलेगी 22,400 रहेगा वेतनमान। यहाँ पर बात की जाए बीलिव होना चाहिए 50% के साथ। कंप्यूटर शिक्षक की एक पोस्ट है 35,400 वेतनमान रहेगा। बीसीए हो या फिर हो बीएससी कंप्यूटर साइंस या फिर पीजीटीसीए हो ग्रेजुएशन के साथ, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही प्रयोगशाला सहायक की 3 पोस्टें मिलती हैं, जिसमें 25,300 वेतनमान मिलेगा। आपके पास डीएलएड होना चाहिए, डीएलएड हो तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं 50% के साथ होना रहेगा अनिवार्य। सहायक ग्रेड 2 की बात की जाए तो एक पोस्ट मिलेगी 25,300 रहेगा। पीजीटीसीए डीसीए हो साथ ही 50% के साथ 12वीं क्लास पास आउट होना चाहिए। सहायक ग्रेड 3 की बात की जाए तो एक पोस्ट मिलेगी 19,500 वेतनमान रहेगा। साथ ही दोस्तों 50% के साथ यहाँ पर 12वीं क्लास पास आउट होना चाहिए। डीसीए पीजीडीसीए होना यहाँ पर अनिवार्य रहेगा। भृत्य और चौकीदार की यहाँ पर 4 और 1 पोस्ट रहेगी, जिसमें आप 15,600 वेतनमान मिलेगा। 8वीं क्लास पास आउट होना चाहिए। अंशकालीन सफाई कर्मचारी की 2 घंटा के लिए यहाँ पर रहेगा, जो कि कलेक्टर रेट पे आपको यहाँ पर है। बाकी जानकारी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस, इसका माध्यम,
फॉर्म का फॉर्मेट जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर कर भर कर आप भेज सकते हैं। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट की बात की जाए तो नेक्स्ट में दूसरा जिला है आपका जिला जसपुर में। जसपुर में दोस्तों यहाँ पर संविदा बेस पर भर्ती है, 7 जुलाई का ये भी नोटिफिकेशन है। इसमें जो लास्ट डेट की बात की जाए तो 18 तारीख इसकी लास्ट डेट है, सुबह 10:30 बजे से 5:30 बजे तक। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जसपुर, जिला जसपुर छत्तीसगढ़ में पिन दिया गया है। यहाँ पर आपको स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक से आपको भेजना है, इसके बाद आपका यहाँ पर मान्य नहीं होगा। व्याख्याता की बात की जाए तो यहाँ पर देख लीजिए अंग्रेजी माध्यम में, देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजी मीडियम का रहेगा। हिंदी, संस्कृत, जीव विज्ञान, सामाजिक अध्ययन अंग्रेजी माध्यम में, रसायन, गणित और अंग्रेजी। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर आपको पोस्टें डिवाइडेशन कर कर दी गई हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, प्लस होना चाहिए बीएड, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ रिलेटेड सब्जेक्ट के साथ है, 38,100 रहेगा यहाँ पर वेतनमान। साथ ही दोस्तों बात की जाए हिंदी मीडियम में, तो हिंदी मीडियम में भूगोल, अर्थशास्त्र, हिंदी माध्यम से इतिहास, राजनीति भी है और यहाँ पर हिंदी भी है, तो यहाँ पर ही पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए 50% के साथ, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक पोस्ट मिलती है शिक्षक की, कंप्यूटर शिक्षक की, तो यहाँ पर आपको 38,100 वेतनमान रहेगा। बीसीए, बीएससी हो, बीटेक हो, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं अप्लाई। साथ ही एमसीए हो या फिर एमएससी कंप्यूटर से हो तो भी कर सकते हैं। व्यायाम के लिए एक पोस्ट रहेगी और यहाँ पर जो आपके एजुकेशन है वो है बीपीएड होना यहाँ पर अनिवार्य रहेगा, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों तो यहाँ पर बात की जाए ग्रंथपाल की, तो यहाँ पर लाइब्रेरी की एक पोस्ट मिलती है जिसमें आपके पास बीलेब होना जरूरी रहेगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर 22,400 वेतनमान रहेगा। प्रयोगशाला सहायक की 3 पोस्ट मिलती है, यहाँ पर 12वीं क्लास पास आउट होना चाहिए गणित जीव विज्ञान के साथ, और यहाँ पर आप देख सकते 25,300 रहेगा यहाँ पर वेतनमान। साथ ही दोस्तों यहाँ पर बात की जाए सहायक ग्रेड 1 की, सहायक ग्रेड 3 की, सहायक ग्रेड 2 की, तो आपको एक एक पोस्ट मिलती है यहाँ पर। हायर सेकेंडरी पास आउट प्लस कंप्यूटर प्रशिक्षण होना चाहिए, वेतनमान यहाँ पर रहेगा 25,300 के समकक्ष ही। वृत्त और यहाँ पर वृत्त की 4 पोस्ट है, चौकीदार की 1 पोस्ट है। 5वीं क्लास, 8वीं क्लास पास आउट कर सकते हैं यहाँ पर अप्लाई, लेकिन यहाँ पर अनिवार्य रहेगा आपके पास अनुभव, यदि आपके पास अनुभव है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर प्रधान पाठक माध्यमिक शाला के लिए बात की जाए तो 1 पोस्ट है, 38,100 वेतनमान रहेगा। पीजी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, प्लस यहाँ पर रहेगा अनुभव अनिवार्य। दोस्तों यहाँ पर बाकी भी पोस्टें दी गई हैं जो कि आपको शिक्षक अंग्रेजी माध्यम में, गणित विज्ञान अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान सामाजिक विज्ञान की है, साथ ही हिंदी माध्यम में गणित, संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी की दी गई हैं, प्राथमिक शाला में दी गई हैं दोस्तों यहाँ पर। तो ये भी आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं, आपको लास्ट डेट 18 तारीख दी गई है, 18 तारीख तक। बाकी भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर कर और इसको भर कर भेजना है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे की, तो तीसरा दोस्तों यहां पर मिलती है आपको कांकेर की, तो कांकेर में जो पोस्ट निकली है वो भी आपको यहाँ पर टीचिंग नॉन टीचिंग की पोस्ट मिलती है। इसकी लास्ट डेट की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर 22 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, 5:00 बजे तक स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री डाक से आप इसको भेज सकते हैं। इसका जो पत्र व्यवहार का कार्यालय है प्राचार्य शासकीय नर हरदेव उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कांकेर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर में। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर आपके लिए ये उत्तर बस्तर के अंतर्गत दोस्तों आपको ये भरकर फॉर्म जमा करना है, जैसे भी आप जिस माध्यम से आप चाहें कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बात की जाए दोस्तों तो आपको अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम में पोस्टें दी गई हैं। व्याख्याता की है रसायन, कॉमर्स, इतिहास, गणित, सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक, भूगोल, हिंदी, संस्कृत की पोस्टें दी गई हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर 38,100 वेतनमान है। पोस्ट ग्रेजुएशन 55% के साथ होना चाहिए, यहाँ पर 55% दिया गया है, बाकी में 50% दिया गया था। दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की भी पोस्टें आपको दी गई हैं, 38,100 वेतनमान है, जिसमें पोस्टें मिलेंगी आपको अंग्रेजी की 3 है, गणित है, जीव विज्ञान, सामान्य अध्ययन और रसायन शास्त्र है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कॉमर्स और भौतिक की भी पोस्ट हैं। पूर्व प्रधान अध्यापक, पूर्व माध्यमिक शाला शिक्षक अंग्रेजी माध्यम में भी दिया गया, यहाँ पर 50% ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस यदि आपके पास TET 3 वर्ष का अनुभव है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर भी 4 पोस्ट अंग्रेजी माध्यम में दी गई हैं, तो ये आपको 35,400 वेतनमान मिलेगा। बीएड होना चाहिए अंग्रेजी माध्यम से, TET आपके पास पास आउट होना चाहिए। शिक्षक हिंदी की भी दोस्तों यहाँ पर पोस्टें दी गई हैं। साथ ही दोस्तों व्यायाम शिक्षक की भी एक पोस्ट दी गई है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम में भी 10 पोस्टें दी गई हैं, 3 पोस्टें दी गई हैं प्रयोगशाला सहायक की,
भौतिक रसायन की अलग अलग दी गई है। यहाँ पर 25,300 वेतनमान मिलेगा, 12वीं क्लास पास आउट हो, डीएड डीएलएड हो और अंग्रेजी माध्यम में अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे। शिक्षक कंप्यूटर टीचर की भी पोस्ट दी गई है, एक पोस्ट है 35,400 वेतनमान रहेगा। साथ ही आपको इंग्लिश आना चाहिए, 50% आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर विज्ञान आईटी बीटेक एमसीए एमएससी कंप्यूटर से हो। ग्रंथपाल लाइब्रेरी की एक पोस्ट दी गई है, सहायक ग्रेड टू की एक पोस्ट दी गई जिसमें आपके पास होना चाहिए स्नातक की डिग्री और साथ ही दोस्तों कंप्यूटर में एक बार की डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए। 25,300 वेतनमान रहेगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर सहायक ग्रेड थ्री की पोस्ट दी गई जो कि है 19,500 वेतनमान रहेगा। यहाँ पर 12वीं क्लास पास आउट होना चाहिए प्लस एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए। भृत्य की चार पोस्टें दी गई हैं, 15,600 वेतनमान रहेगा, 8वीं क्लास पास आउट होना चाहिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर चौकीदार की एक पोस्ट दी गई है जो कि 8वीं क्लास पास आउट है, 15,600 वेतनमान रहेगा। अंशकालीन स्वीपर की पोस्ट दी गई है दो जिसमें आपके लिए 8वीं और स्थानीय व्यक्ति को यहाँ पर दिया जाएगा। बाकी नोटिफिकेशन दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें, ये अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, तो छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी आवेदक ही चयन के लिए पात्र होंगे, अदर स्टेट के कैंडिडेट को यहाँ पर चयन के लिए पात्र नहीं दिया जाएगा। बाकी दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, तो वहाँ से आप इसको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही इसको भरकर भेज सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों मैं मिल जाऊंगा आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम पर @JDComputer, यहाँ भी मैं गवर्नमेंट जॉब संबंधित, डेली करंट अफेयर्स संबंधित, डेली न्यूज़ संबंधित सभी जानकारी अपडेटेड करता रहता हूँ, तो आप मुझे यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, जय हिंद।